उसके जितने भी गेम्स खेलते हैं वे सारे के सारे कितने ज्यादा एडिक्टिव होते हैं। इवन अपने चैनल पर हम डेली जो अमेजिंग अमेजिंग गैजेट्स और एप्स रिव्यू करते हैं वो भी कितने ज्यादा अमेजिंग और शानदार होते हैं। बट इनमें से शायद ही कोई ऐसी एप्लीकेशन या फिर कोई गैजेट होगा जो कि हमारे इंडिया में डिजाइन किया गया हो। खैर, इस तरह के प्रोग्राम और चीजों को बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आजकल वैसे ही सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। आपको किसी भी तरह के काम को करने के लिए किसी न किसी ऐप या फिर वेबसाइट की जरूरत जरूर पड़ती है। बट इस तरह की कोई एप्लीकेशन या फिर गेम हमारे इंडिया में बहुत ही कम देखने को मिल पाते हैं। बट अगर आप कोडिंग जानते हैं तो आप अपने लिए खुद की कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर स्पेशली इंडिया में देखा जाए तो इस फील्ड में हमारे पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज हैं। बट इस फील्ड में करियर बनाने के लिए आज भी हमारी इस डेवलपिंग कंट्री में स्टूडेंट्स को कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे प्रॉपर गाइडेंस ना होना, एजुकेशन के लिए लोन और भी कई सारे चैलेंजेस स्टूडेंट्स को अपनी जर्नी में फेस करने पड़ते हैं। बट अब इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन का नाम है मसाई स्कूल। बात करें इस स्कूल की तो ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ से कोई भी स्टूडेंट जिसे कोडिंग या फिर कहें प्रोग्रामिंग सीखकर अपने आने वाले फ्यूचर के लिए वो रेडी हो सकता है। यहाँ आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं बिना कोई फीस दिए, और आपको फीस तभी देनी है जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करके आपकी जॉब लग जाए लगभग 5 लाख की। जी हाँ, आपको सैलरी मिलने लग जाए 5 लाख, तब आपको पे करना है अपनी कोर्स की फी। कैसे, बने रहिए, बताता हूँ, थोड़ी देर में सब कुछ बताता हूँ। ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर किसी भी थियोरेटिकल नॉलेज के कंपैरिजन में ओरिजिनल स्किल पर ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है प्लेन ड्राइविंग पर लिखी गई किसी भी बुक को जस्ट पढ़ लेने भर से प्लेन तो चलाना आप सीख नहीं जाएंगे। इसी के साथ यहाँ आप ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट जैसे अलग अलग पार्ट टाइम और फुल टाइम कोर्सेज को कर सकते हैं। सो यहाँ से इनके फुल स्टैक एंड्रॉइड डेवलपमेंट कोर्स को पढ़ने के बाद आप खुद की एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाकर उसे प्ले स्टोर पर लिस्ट कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए इस कोर्स में जावा, कॉटलिन, ग्रेडल, एंड्रॉइड आर्किटेक्चर, एसक्यूएल जैसी कई सारी लैंग्वेजेस स्क्रैच के साथ सिखाई जाती हैं, चाहे फिर आप साइंस या फिर कॉमर्स जैसे किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो। और रही बात फीस की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको जॉब लगने तक एक भी पैसा नहीं देना है। खैर, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे और इसके तो अभी एडमिशन भी ओपन है। तो चलिए इसके बारे में और जानने के लिए सीधे इसकी वेबसाइट पर ही चलते हैं। तो यहाँ पर जस्ट इसका डोमेन नेम डालने पर आपको इसकी वेबसाइट शो हो जाएगी, और यहाँ से एंटर करते ही आपको कुछ इस तरह का विंडो शो होगा जिसके राइट साइड में आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल रहा होगा, बट उस पर हम बाद में चलेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसके सभी कोर्सेज के बारे में। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको इसके द्वारा प्रोवाइड किए गए कोर्सेज के 3 कोर्सेज शो होंगे, जिसमें पहला है वेब डेवलपमेंट जो कि एक फुल टाइम कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन 30 वीक्स यानी कि 7.5 मंथ है। दूसरा है एंड्रॉइड डेवलपमेंट का फुल कोर्स और इसका ड्यूरेशन भी अप्रॉक्स 7.5 मंथ ही है। और तीसरा है वेब डेवलपमेंट कोर्स, बट वो पार्ट टाइम है तो इसका जो ड्यूरेशन है वो पूरे 1 साल तक का है। तो वेब डेवलपमेंट तो ठीक है, पर पहले हमें इनके एंड्रॉइड डेवलपमेंट के कोर्स को एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आते ही आपको 9 to 9 की पूरी 12 घंटे की टाइमिंग दी हुई है। जावा, कॉटलिन, एंड्रॉइड, ग्रेडल आर्किटेक्चर, स्प्रिंग बूट, एसक्यूएल, डीएस एंड एल्गो जैसी लैंग्वेजेस यहाँ आपको सिखाई जाएंगी। और पूरा कोर्स 6 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें कौन से वीक में क्या क्या चीजें सिखाई गई हैं, सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ मेडिटेशन के भी सेशन दिए जाते हैं। इट मीन्स कि यहाँ टेक्निकल ही नहीं बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ आपके प्रेजेंटेशन स्किल, आपके कम्युनिकेशन स्किल पर भी आपकी काफी मदद की जाती है। और ऐसी ही सेम थिंग हमें बाकी के दोनों वेब डेवलपमेंट में भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसकी फैकल्टी भी IIM और IIT के एक्सपीरियंस पर्सन है। खैर, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि कोर्स फुली ऑनलाइन है, इसलिए आप इंडिया के किसी भी स्टेट से इसे सीख सकते हैं। बट ये टोटल कोर्स इंग्लिश में होगा, इसलिए इंग्लिश पर अच्छी खासी पकड़ जरूर होनी चाहिए। और दूसरा, प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स के पास अपना लैपटॉप या फिर सिस्टम जरूर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी एज 18 और 28 के बीच है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, भले ही आपने 12th किसी भी स्ट्रीम में पास की हो। रुकिए, क्या आप स्टूडेंट हैं जो अपना कॉलेज या जॉब नहीं छोड़ना चाहते हैं? तो दोस्तों, मसाई स्कूल के पास इसका भी सलूशन है। पार्ट टाइम कोर्स जो आप अपने कॉलेज या जॉब के साथ ये कोर्स भी कर सकते हैं। सो गाइस, अब आते हैं फीस की बात पर। मसाई स्कूल के ISA की यानी इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट के मुताबिक आपको कोर्स के बाद इस इंस्टीट्यूशन को तब तक कोई फीस नहीं देनी जब तक कि आपकी जॉब 5 लाख पर एनम तक नहीं हो जाती। और जॉब लगने के बाद आपको अपना 15% शेयर ऑफ इनकम विद 18% GST 36 मंथ यानी कि अप टू 3 ईयर्स तक देना होगा। यानी कि इसके हिसाब से साल भर का जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 75,000 रुपए GST को मिलाकर, और 3 साल में कुछ पहुंच जाएगा 3 लाख के आसपास। बट जॉब जो है वो 5 लाख की मिनिमम लगने के बाद ही आपको देना है।
और अगर बाय चांस इनकम का ग्राफ 5 LPA से कम हो जाता है तो ये फीस अगेन पॉज मोड में चले जाएंगे। बट इसके लिए प्रूफ के लिए इंस्टीट्यूशन को सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स रिटर्न और दूसरे कई तरह के डॉक्यूमेंट के थ्रू उन्हें इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा। साथ ही अगर आप ये कोर्स फर्स्ट यूनिट कम्प्लीट होने के बाद में कभी भी क्विट करते हैं तो इसके लिए फीस देने के लिए आप लायबल रहेंगे। और जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप यूनिट 2 और यूनिट 4 के बीच में कोर्स को क्विट करते हैं तो यहाँ पर आपको 50,000 रुपीस फीस देनी होगी, और यूनिट 5 के बाद अगर आपने छोड़ा तो आपको पूरा पैसा ही इंस्टीट्यूशन को देना पड़ेगा। तो दोस्तों सीधी सी बात है, जो लोग अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं और अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हैं वही लोग आके ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ टाइम पास करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। सो गाइस अब आते हैं मुद्दे पे, प्लेसमेंट पर। जी हाँ दोस्तों, मसाया स्कूल 200 प्लस कंपनीज के साथ पार्टनरशिप रखता है जिसमें वेव, सैमसंग, स्मॉल केस, नो ब्रोकर, अबन कंपनी, डंजो, शेयर हेड जैसी बहुत सारी कंपनीज शामिल हैं। एडवांस की जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ तक कि प्लेसमेंट टीम आपको आपके प्रोफाइल बिल्ड करने में, रिज्यूमे बिल्ड करने में सब मदद करेगी और असिस्ट करेगी आपको इंटरव्यू सेट करने में। सो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ मसाया स्कूल के एक और प्रोग्राम के बारे में जिसका नाम है ग्लाइड प्रोग्राम। और दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने अपनी जॉब छोड़ दी है इस कोर्स के चक्कर में तो आप अपना खर्चा पानी कैसे निकालेंगे, तो डोंट वरी दोस्तों, ग्लाइड प्रोग्राम के मुताबिक टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स को 15,000 पर मंथ का अलाउंस भी दिया जाएगा जिससे कि अपनी दूसरी नीड्स को फुलफिल कर सकेंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं और घर खर्चे में हेल्प चाहिए, पर टॉप परफॉर्मिंग बनने के लिए आपको अपने कोर्स के पहले महीने में डिसिप्लिन में रहना होगा, असाइनमेंट पे स्कोर्स अच्छे करने होंगे, अटेंडेंस 90% रखनी होगी। ये मंथली अलाउंस ऑप्शनल है, पर याद रखिएगा जॉब लगने के बाद जब आप फीस देना स्टार्ट कर देंगे तो ये मंथली अलाउंस भी आपको वापस करना पड़ेगा। तो एट लास्ट बात आती है आखिर इसमें एडमिशन की प्रोसेस क्या होगी, तो वो भी काफी सिंपल है। सबसे पहले यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है जिसमें पैन कार्ड भी शामिल है, एंड इसके बाद एमसेट यानी कि मसाया स्कूल एडमिशन टेस्ट देना है और उसे क्वालिफाई करना है। और ये टेस्ट भी हाई स्कूल मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, टाइपिंग स्पीड, कंप्यूटर लिटरेसी जैसे बेसिक कोर्स पर बेस्ड होगा। कोई आपकी कोडिंग स्किल से रिलेटेड यहाँ कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू और एक लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बस हो गया आपका सारा काम। और जो कोई भी पर्सन इसके लिए इंटरेस्टेड है वो अभी नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इसके एडमिशन अभी ओपन है। एंड्रॉइड डेवलपमेंट के बैच 19 अप्रैल से स्टार्ट भी हो रहे हैं। सो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ मसाया स्कूल के बारे में। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसमें मिली इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करने के साथ ताकि अगली आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो।